नमस्कार, केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश दौड़ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्पेशली अब देखते हैं IUPAC नामन के लेक्चर समाप्त है विद रूल। कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट जो कुछ एग्जाम्सों में आए, जैसे ये रहा क्वेश्चन आपका, आप लोग लिख लिख के पढ़िए, बिना लिखे ये समझ में आने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए बेहतर होगा आपके लिए। ये देखिए आपका आया हुआ CBSE ऑल इंडिया PMT 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच नामन क्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो ये जो है आपको बताना है कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा नहीं है। हम लोग लोअर साइड से चलते हैं, डी से। ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, आपको बताया जहाँ ये हो वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम मिल रहा 6। ये है आपका कीटोन, और कीटोन के लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रीफिक्स ऑक्सो। और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है आपका ओइक एसिड। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। 6 कार्बन का बनाते हैं हेक्सेन, और हेक्सेन में COOH के लिए ई निकाल करके ओइक एसिड जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ है जिसका प्रीफिक्स ऑक्सो है, तो लिखेंगे 5 ऑक्सो। तो लिखा हुआ है 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड इज द करेक्ट IUPAC नाम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये करेक्ट नेम लिखा हुआ है, यहां चलते हैं, यहां पर चलते हैं हम। ये देखिए 1, 2 तक कार्बन काउंट करते हैं, कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इधर 2 पे मेथिल है, इसलिए आप इधर से काउंट करेंगे, ब्रांच इधर नजदीक है, नंबर ऑफ कार्बन हो गया 5। और हम जानते हैं 5 का नाम पेंटेन है, और जो कि लिखा भी है क्या, पेंटेन। अब ब्रांच पे चलिए, 2 पे मेथिल है और ये है बेंजीन, इस बेंजीन को लिखा जाता है फेनिल, या आप पढ़ लीजिए फिनाइल। ये 3 पे है और ये 2 पे है, इसका नाम क्या है, मेथिल। अब आप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली चलते हैं तो पहले यम आएगा, उसके बाद पी आएगा, तो 2 पे मेथिल है और ये आपका 3 पे फेनिल है, तो लिखा है 2 मेथिल 3 फेनिल, नंबर ऑफ कार्बन 5 पेंटेन, करेक्ट है IUPAC नेम। यहाँ चलिए 1, 2 तक तो कुछ नहीं है, यहाँ 2 पे ब्रांच है, इसलिए आप इधर से काउंट कर लेंगे 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ कार्बन 6, इसलिए हेक्सेन जो लिखा हुआ है हेक्सेन। अब बात करते हैं ब्रांच की, यहाँ आपका 2 पे मेथिल है और 4 पर मेथिल है, ये दोनों आपके हैं मेथिल, और यहाँ 4 पे है BR, और BR का प्रीफिक्स लिखते हैं ब्रोमो, तो नेम बन गया अल्फाबेटिकली B पहले आएगा, तो 4 ब्रोमो लिखा भी है, 2, 4 डाई मेथिल, ये भी है डाई मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 6 हेक्सेन, ये भी आपका हो रहा है करेक्ट। यहां चलते हैं नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, यहां चलते हैं नंबर 1 पे ब्रोमीन है, आपको बताया था जो हैलो होते हैं ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, और इधर 1 पे डबल बॉन्ड, अगर आपको डबल बॉन्ड मिले और एक्स मिले एक ही नंबर ऑफ कार्बन से, जैसा कि कंडीशन यहां है, ये 1 इधर से चले, इधर से 1 पे चले,
तो आपका वन पे ब्रोमो, वन पे डबल बॉन्ड इन एल्कीन है, तो आप इसमें प्रियोरिटी देंगे किसे, डबल बॉन्ड को। इस बात को ध्यान देंगे, मैंने बताया था आप पिछले वीडियोस को देखिए। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, कार्बन 3 है तो 3 का नाम तो प्रॉप होगा, ये तो करेक्ट है। 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 इन है और 2 3 पे ब्रोमो है, तो इसका करेक्ट नाम हुआ 3 बी आर का नाम ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और आपका प्रॉप और 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड 1 इन, ये हुआ करेक्ट आंसर। और ये जो आपका दिया हुआ है आपका ये रंग होता है, इस प्रकार आपका ए ऑप्शन होता है करेक्ट। इसमें से कौन आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका आंसर क्या मिला, ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है द इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम इज, तो आपको बताना है इनकरेक्ट नेम। ये भी देखिए आया है सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी 2001 में, तो आपको बताना है इनकरेक्ट नेम। चलते हैं हम लोग फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, डी से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से काउंट करिए 1 2 3 4, इधर से चलते हैं 2 पे ब्रोमो, इधर से चलते हैं तो 2 पे क्लोरो। अब पहले ब्रोमो को प्रीफर किया जाए कि क्लोरो को, तो अल्फाबेटिकली में भी पहले बी आता है, इसलिए आप इधर से काउंट करेंगे, ये नहीं होगा, ये हुआ करेक्ट काउंटिंग। 1 2 3 4, 2 पे क्या है बी आर, और बी आर को प्रीफिक्स क्या लिखते हैं ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो लिखा है आपका 2 ब्रोमो। 3 Cl का नाम है आप लिखते हैं क्लोरो, तो 3 मिल रहा है आपको क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन 4 और 4 के एल्केन बनाए आपका क्या ब्यूटेन, ये है आपका करेक्ट आईयूपीएसी नेम। यहाँ चलते हैं, अगर इस टाइप से लिखा है तो पहले तो इसके स्ट्रक्चर को बना लें हम फिर से। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, यहाँ ट्वाइस है, यहाँ CH3 कर लीजिए, यहाँ CH3 कर लीजिए। अब चलिए आप नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इधर से चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 पे मेथिल है, यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 पे मेथिल आ रहा है, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। साइड चेन और ट्रिपल बॉन्ड में आप प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, किसे देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए इधर से काउंटिंग रॉन्ग होता है आपका। करेक्ट काउंटिंग ऑफ दिस साइड 1 2 3 4 एंड 5। अब चलिए इसको लिख लीजिए, पहले ब्रांच CH3 का नाम क्या है, मेथिल या मिथाइल, जो 4 पे है तो 4 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, और 5 का नाम पेंटा है, और इसमें 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो पोजीशन बता रहा है 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है आयन। अगर इतना नाम लिखना हो आपको तो आप लिख सकते हैं पेंटाइन 2, या इसे लिख सकते हैं 2 पेंटाइन, ये सब आपका करेक्ट होगा, चाहे जैसे भी कहा जाए तो ये भी आपका करेक्ट होता है आईयूपीएसी नेम। चाहे ऐसे बनाइए और या तो स्ट्रक्चर ऐसे बना समझ लीजिए। यहां चलिए, पहला रूल मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे
कि इसको बढ़ा लीजिए और इसे आप बना लीजिए साइड चेन। ये आप क्या हो गया, साइड चेन, जिसका नाम क्या है, मेथिल है। यहां चलिए कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे भी क्या है, मेथिल, 3 पर भी क्या है, मेथिल। तो 2 और 3 डाई मेथिल लिखा हुआ है, 2-3 डाई मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 का नाम क्या है, पेंटेन। यहां चलते हैं आप, नंबर ऑफ कार्बन आपका 1, 2, 3, 4, 2 पे मेथिल है, साइड चेन क्या है, मेथिल। 1, 2, 2 पे इधर से आ रहा है कीटोन, जो कि फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, ये वाला काउंटिंग रंग होता है, इधर से आप काउंट करोगे। अगर काउंट किया जाए तो इसका नाम हो जाएगा, 3 पे पहले लिखेंगे आप क्या, मेथिल। 3 पर क्या हुआ, मेथिल। नंबर आप कार्बन 4 और 4 का नाम ब्यूटेन, और आपका 2 पे सी डबल बॉन्ड ओ, तो नाम लिखेंगे 2-ON। इतने को आप लिख सकते हैं 2-ब्यूटेनोन, पहले क्या लगा लेंगे, 3 मेथिल। तो चाहे जैसे आप लिखिए, ये होता है करेक्ट। और ये लिखा क्या है आपका, 2 मेथिल, जबकि होगा राइट क्या है, 3 मेथिल, इसलिए ये आपका रॉन्ग नेम हुआ और आपका आंसर करेक्ट हुआ क्या, ए। ए इज द राइट आंसर, मीन्स आईयूपीएसी नेम इसका दिया हुआ है रॉन्ग, जबकि करेक्ट आईयूपीएसी नाम क्या है, 3 मेथिल ब्यूटेन 2-ON, और पूछा है इनकरेक्ट, तो यही दिया गया था इनकरेक्ट। ये देखिए आप अगला आईयूपीएसी नेम, तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम क्यों। यहां से चलिए आप इसका नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2। 2 पे आपको मिल रहा है ब्रांच, जिसका नेम है आपका मेथिल। इधर चलिए 1-2 पे इधर भी मेथिल, 3 पर भी मेथिल, तो आप प्रायोरिटी इधर से देंगे, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 7। 2 पे मेथिल है, 3 पर मेथिल है, 6 पर मेथिल है, 3 टाइम आया। इसके लिए आप यूज करते हैं ट्राई, ट्राई क्या है, मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 7 है, और 7 का नाम है आपका हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो रहा है 2-3-6 ट्राई मेथिल हेप्टेन। मैच करते हैं, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है तो है आपका बी, ये मिला है आपको करेक्ट ऑप्शन, 2-3-6 ट्राई मेथिल हेप्टेन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आईयूपीएसी नामनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये है आपका 2-3-6 ट्राई मेथिल हेप्टेन, जो कि आया हुआ है आपका सीबीएसई ऑल इंडिया पीबीटी में 1996 में। हाँ, तो हम लोग अगला आईयूपीएसी नेम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आया है सीबीएसई ऑल इंडिया पीबीटी 1994 में। फॉर द कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम इज करेक्ट, बताना है कौन सा आईयूपीएसी नेम आपका करेक्ट है। तो देखते हैं इसे, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, 3, 4, 5,
पे ब्रांच मिल रहा है आपको, इधर से चलेंगे तो टू पे कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए काउंटिंग इधर करेंगे। सेम पुराना रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद ब्रांच आर फंक्शनल ग्रुप। तो टू पे है आपका मेथिल और यहाँ थ्री पर है आपका एथिल। इसका नाम क्या है? एथिल। तो पहले एम आ रहा है, इसमें पहले ई, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली पहले आप ई लिखोगे। तो थ्री आ रहा है आपका एथिल, टू पे मिल रहा है आपको मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन फाइव और फाइव का नाम मिल रहा है पेंटेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है थ्री एथिल टू मेथिल पेंटेन। थ्री एथिल टू मेथिल पेंटेन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा है आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार आप आईयूपीएसी नामन क्लेचर करते हैं। अगला देखते हैं आईयूपीएसी नाम, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है अल। ये है आपका ब्रांच चेन या इसे कहते हैं साइड चेन। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल जिसके लिए यूज किया जाता है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और सफिक्स आल। तो इसका नेमिंग करते हैं, यहां नंबर वन पे एल्डिहाइड है, नंबर ऑफ कार्बन टू, इधर वन पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए काउंटिंग इधर से ही करेंगे। थ्री फोर फाइव, पहले ब्रांच को, ये हाइड्रोक्सी है, ये मेथिल है, तो पहले हाइड्रोक्सी लिखिए। नंबर ऑफ कार्बन फोर पे आ रहा हाइड्रोक्सी, टू पे मिल रहा है आपको मेथिल। तो टू हो गया मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन फाइव है तो फाइव का नाम हो रहा है पेंट। टू पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का नाम ईन है, तो टू ईन और वन पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए लिखा जाता है अल। तो नाम हुआ फोर हाइड्रोक्सी टू मेथिल पेंट टू ईन वन अल। तो इसमें से आप मैच कर लीजिए, फोर हाइड्रोक्सी टू ऑप्शन मिले, टू मेथिल वन ऑप्शन मिला, तो ये हुआ है आपका करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका सारे इंट्रेंसों में पूछा गया है आईयूपीएसी नामन क्लेचर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपका आया है 1992 में। तो नेमिंग करते हैं, पहले देखते हैं आप इधर से वन टू पे ब्रांच है मेथिल, जबकि इधर से कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन वन टू थ्री टू पे आपका क्या टेस्ट है? मेथिल। तो नाम है टू मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन फोर और फोर एल्केन में नेम लिखा जाता है आपका ब्यूटेन। तो टू मेथिल ब्यूटेन, हमारा क्वेश्चन है टू मेथिल टू ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एट। कौन सा कंपाउंड है जो टू मेथिल टू ब्यूटीन को रिप्रेजेंट करता है? तो यहां चलिए
वन टू पे ब्रांच भी है और टू पे डबल बांड भी है, तो यहां से काउंट करेंगे वन, नंबर ऑफ कार्बन टू थ्री फोर। टू पे आपका मिल रहा सी एस थ्री ब्रांच मेथिल, तो टू पर हो गया है आपका मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन फोर, फोर का नाम हो गया है आपका ब्यूट, टू पर है आपका डबल बांड, इसलिए टू आपका हो जाता है इन। आपको पहले बताया इसे आप जो है ऐड कर लेंगे तो नाम हो जाएगा टू मेथिल। आप टू को पहले कर सकते हैं टू ब्यूटीन या टू मेथिल ब्यूटीन टू, इसमें से कोई भी आप ऑप्शन लिखिए, सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। जैसा ऑप्शन मिले वैसा सही करिए। और ये दिया है टू मेथिल टू ब्यूटीन, तो ये हुआ है आपका करेक्ट ऑप्शन, यही मिल गया। आप यहाँ चलिए इसको भी आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं। यहाँ से काउंट करेंगे नंबर वन नंबर टू, वन पे डबल बांड और टू पे मेथिल, थ्री फोर, इधर से कोई ब्रांच नहीं इसलिए नेमिंग इधर से करेंगे। टू पे आपको मिल रहा है मेथिल, तो नाम हुआ टू मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन फोर, तो ब्यूट, वन पे डबल बांड तो वन इन, नेम टू मेथिल ब्यूट वन इन, या इतने को लिखिए टू वन ब्यूटीन या ब्यूटीन वन। यहां चलिए नंबर ऑफ कार्बन वन नंबर टू, वन पे डबल बांड है इसलिए प्रियोरिटी हम डबल बांड को देंगे, इधर वन पे कुछ नहीं है, वन टू थ्री फोर। टू पे या थ्री पे ब्रांच मिल रहा है क्या, मेथिल, साइड चेन मेथिल मिला, थ्री मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन फोर इसलिए ब्यूट, और वन पे डबल बांड इसलिए वन इन, या इतना आप लिख सकते हैं वन ब्यूटीन, या लिख सकते हैं ब्यूटीन वन। पहले थ्री मेथिल रहेगा, आप कोई भी ऑप्शन इसका लिख सकते हैं। तो दिया गया है आपका टू मेथिल टू ब्यूटीन, तो आपका सेकेंड मीन्स बी करेक्ट होता है, टू मेथिल ब्यूट टू। वैसे भी देखिए आपका ये टू पोजीशन बताता है डबल बांड इन का, इसमें तो डबल बांड है नहीं इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होता है। वन टू पे ये डबल बांड, वन टू पे डबल बांड है, इन यहां वन पर डबल बांड है, ये इनकरेक्ट है, वन पे डबल बांड है, ये इनकरेक्ट है। तो केवल हम डबल बांड को देख करके ऑप्शन को अपने करेक्ट कर सकते हैं। ये था आपका टू मेथिल टू ब्यूटीन कौन सा कंपाउंड रिप्रेजेंट करता। तो अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो सीबीएमटी में आया 1994 में, दी आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये ब्यूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, फोर होगा। टर्सरी ये बताता है कि वन कार्बन से अटैच्ड होगा थ्री कार्बन, आपको बताया ये कार्बन है, इस कार्बन से आपका थ्री एल्किल ग्रुप अटैच्ड है और फोर ही कार्बन होना चाहिए, तो ये आपका हुआ थ्री मेथिल ग्रुप, या इसे आप कह सकते हैं ये है टर्सरी कार्बोनेट।
टर्शरी कार्बन आइटम से आपको अटैच करना है OH, एल्कोहल, तो इसका नाम होगा आपका टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसका यूपीएससी नेम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करिए, नंबर 1, 2, 3, ये हो गया आपका रूट ऑयल, या हो गया आपका रूट चेन, ये हुआ आपका साइड चेन, ये भी फंक्शनल ग्रुप। तो 2 पे आपका मेथिल है, 2 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 3 का नाम है आपका प्रोपेन। ये निकालेंगे और OH के लिए आल ऐड करेंगे, और आल कितने कार्बन पर है, 2 पर, तो 2 हो गया आल, या 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, या 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, ये आपके 3 नाम मिलते हैं। तो इसमें मैच कर लीजिए, आपको मिल रहा है ये आपका नाम 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, तो 2 मेथिल और 2 प्रोपेनॉल, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। एक चीज आप ध्यान देंगे, ये है आपका टर्शरी, ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए, जैसे आपका 2 कोई एल्किल हो और 2 पर ही फंक्शनल ग्रुप हो, 2 एल्किल और 2 पर ही फंक्शनल ग्रुप हो, तो हमेशा ये टर्शरी होगा। सेकेंडरी की बात करते हैं तो केवल और केवल आपका 2 पर पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप। अगर प्राइमरी है तो 1 पर पाया जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो 3 कंडीशन, 1 पे फंक्शनल ग्रुप हो तो प्राइमरी है, 2 पे फंक्शनल ग्रुप हो आपका सेकेंडरी होगा, और 2 पे एल्किल और 2 पे फंक्शनल ग्रुप हो तो आपका क्या होगा, टर्शरी कंपाउंड होंगे। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ 2 पे एल्किल और 2 पर ही आल है, फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, हैलोजन भी हो सकता है, तो आपका टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड होगा, लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं, 2 हैलो, 2 एल्किल हो, 2 पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, 2 पर ही एल्किल हो, तो आपका आलविक टर्शरी होगा, ये कन्फर्म है। तो इस प्रकार इसका ये ऑप्शन सही होता है जो आया है CPMT में। तो ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट BHU में आया, MLR में आया, NEET में आया, इन सब इंट्रेंसों में ये आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको मैंने साइनो कंपाउंड में बताया भी। चलिए इसका नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 कार्बन हो गए, और CN का नाम है आपका साइनो। तो नाम लिखते हैं, यही लिख लेते हैं, 1
साइनो, नंबर ऑफ कार्बन थ्री, और थ्री कार्बन के एल्केन का नाम है आपका प्रोपेन। तो नाम मिला है आपको 1, 2, 3 ट्राई साइनो प्रोपेन। अब चलिए आप इसका स्ट्रक्चर हम बदल देते हैं, यहां लिख लेते हैं CN CH2 CH CN CH2 CN। यहां चलते हैं आप, या अभी ऐसे ही रहने दीजिए। CN का एक और भी नाम है कार्बन अटैच्ड करके लिखा जाता है, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल ये बताता है कि इसमें कार्बो मींस कार्बन भी है और आपका सफिक्स नाइट्राइल भी है। तो कार्बोनाइट्राइल रिप्रेजेंट करता है CN को, CN मींस कार्बोनाइट्राइल। तो नंबर ऑफ कार्बन थ्री है, थ्री कार्बन के एल्केन लिखेंगे आप प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद लिख लेंगे 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। अब बात करते हैं हम थर्ड का, इसको आप बड़ा कर लीजिए। तो ये मिला CN CH2 CH CN CH2 और C। ये हुआ है आपका नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। ये है आपका 3 पर CN, तो 3 साइनो, नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के एल्केन पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन। 1 पे और 5 पे CN अटैच्ड है, तो 1, 5 दो बार डाई और सफिक्स यूज किया जाता है नाइट्राइल। तो नाम हुआ 3 साइनो पेंटेन 1, 5 डाई नाइट्राइल। ये है आपका रूल, शुरू से बताया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप। अगर हम लंबी कार्बन चेन लेते हैं तो ये नेम बनता है 3 साइनो पेंटेन 1, 5 डाई नाइट्राइल। इस प्रकार 3 नेम बने इसके, 1, 2, 3 ट्राई साइनो प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, या 3 साइनो पेंटेन 1, 5 डाई नाइट्राइल। आपको बताया ये जो नाम आपने लिखा है ये करेक्ट नेम है, ये सेकेंड बनाया आपका मोस्ट करेक्ट, और ये बनाया आपका थर्ड मोस्ट करेक्ट। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिया जाता है उसके बेस पे आप इसका नेमिंग देखेंगे। अब इसमें देखिए आपका 3 साइनो पेंटेन 1, 5 डाई नाइट्राइल दिया गया है, 1, 2, 3 ट्राई साइनो प्रोपेन दिया गया है, 1, 2, 3 ट्राई साइनो प्रोपेन ये भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है बी। तो ये आप लिखेंगे 3 साइनो पेंटेन 1, 5 डाई नाइट्राइल। ऐसे भी कुछ कंपाउंड है जिनके कई नेमिंग हैं और उनमें से भी आपको चूज करना है द बेस्ट आर मोस्ट करेक्ट नाम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है आपके कुछ एग्जांपल्स IUPAC नामनक्लेचर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब को आप लोग पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए।